अगर डरावनी वेब सीरीज पसंद है तभी देखना ये वेब सीरीज। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि बेताल वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है इंडिया में, और जस्ट मैंने अभी अभी खत्म किए वो वेब सीरीज पूरी देखकर, और तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये बेताल वेब सीरीज देखने के बाद मैं एक बात तो कह सकता हूँ, इंडिया में भी कुछ ऐसी मूवीज और वेब सीरीज बन रही है जिनका अलग ही कॉन्सेप्ट है। तो बेताल वेब सीरीज जो कि इतनी बढ़िया वेब सीरीज और एक हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज है, तो यकीन मानिए अगर आप लोगों ने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ पैसे देकर, तो आपके सारे पैसे वसूल हो जाएंगे इस वेब सीरीज को देखने के बाद। तो बात करते हैं इसकी बेसिक सी स्टोरी की विदाउट एनी स्पॉयलर्स, नो स्पॉयलर्स। तो इसकी बेसिक सी स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि एक गांव होता है यानी कि विलेज होता है, वहां से लेकर उसी के रास्ते एक हाईवे बनाना होता है गवर्नमेंट को। तो अब वो जो हाईवे बनाना होता है उस हाईवे के रास्ते में एक बहुत ही बड़ा पहाड़ भी आता है, और उस गांव यानी कि जो विलेज होता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस विलेज में बहुत सारे जंगल भी है, तो उन सब के बीच में से हाईवे को ले जाना होता है बनाने के लिए। लेकिन उस गांव में एक गुफा भी है जिसको खोलना ही पड़ता है ताकि हाईवे बनाया जा सके, और गांव के लोगों का कहना है कि उस गुफा को खोलने से एक बहुत ही श्रापित आत्मा बाहर आ जाएगी। तो उन गांव वालों से निपटने के लिए कुछ आर्मी वालों को बुलाया जाता है। आर्मी वालों में से हमारे मेन रोल में दिखते हैं विनीत कुमार, जो कि एकदम लीडर होते हैं उस आर्मी फोर्स के, उस लीडर होते हैं। तो वो आते हैं गांव वालों को समझाने, और गांव वाले नहीं समझते तो वो इग्नोर कर देते हैं उन लोगों की बातों को, चाहे बात करें श्रापित वाले गुफा की बात है या फिर कोई और बात है जिससे कि पूरी तबाही मच जाए, क्योंकि उन सबको इग्नोर कर देते हैं विनीत कुमार और आगे बढ़ते हैं और फिर वो गुफा खोलने लगते हैं। लेकिन इस गुफा को खोलते ही हम रूबरू होते हैं ज़ॉम्बीज़ की आर्मी से। तो यही उसकी बेसिक स्टोरी। तो आपको ये वेब सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि इसमें वो एकदम अलग ही कॉन्सेप्ट है, और फिर आपको दिखाया जाएगा कि कैसे वो आर्मी वाले खुद को बचाते हैं ज़ॉम्बीज़ से और बचाते विलेजर्स को भी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो ये तो बात हो गई इसकी बेसिक स्टोरी की, लेकिन अब बात करें ओवरऑल इस वेब सीरीज की। तो इसका जो पहला एपिसोड होता है वहीं से पहले सीन से ही आपको बिल्कुल टोन रेडी हो जाती है आपके लिए कि आप लोगों को बहुत ही थ्रिलिंग चीज देखने वाली आगे जा। मतलब कि सीरीज का टोन पहले सीन से ही लग जाता है और फिर आप लोग अपनी जगह फिर से उठ नहीं पाएंगे, इतनी बेहतरीन वेब सीरीज है। अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि इसमें हॉरर तो दिखेगा ही, डर तो लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें हॉरर के साथ थोड़ा इमोशंस भी दिखेंगे, यानी कि इमोशनल हो सकते हैं आप लोग। लेकिन कितनी डरावनी है ये वेब सीरीज, अब इसको अगर रेटिंग देनी हो कि कितनी डरावनी है, तो मैं इसको 5 में से 3.5 स्टार तो दे ही दूंगा डरावनी के हिसाब से। सिर्फ हॉरर के हिसाब से 3.5 स्टार तो पाई जाएगी। कुछ सीन्स तो इसमें ऐसे होते हैं, इतने डरावने होते हैं कि आप लोग अपनी जगह पे से भागना चाहेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है इस वेब सीरीज की कि इसमें भूतों का नहीं, आत्माओं का नहीं, ज़ॉम्बीज का यूज किया गया है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी मूवीज में देखा है कि अगर श्रापित है वो चीज तो उसमें से आत्मा या फिर भूत निकलेगा या फिर टायन भी निकलेगी, लेकिन इसमें ज़ॉम्बीज का यूज किया गया। अब ज़ॉम्बीज की बात करें तो सबसे पहला हमारा नाम आता है, हमारे दिमाग में नाम आता है गो गोवा गॉन का, जो कि एक कॉमेडी और ज़ॉम्बी से भरी हुई मूवी थी, लेकिन ये कॉमेडी नहीं है। अगर ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स की जगह थिएटर्स में रिलीज होती तब तो ये बवाल मचा देती। और मैंने जैसे इस वेब सीरीज को पूरा देखा उसके बाद मैं सीधे सीधे गूगल पर गया और फिर मैंने सर्च किया रेटिंग इसकी, तो इसको IMDb ने रेटिंग भी दे दी है 7.7 स्टार्स, इतने जल्दी दे दी है। बात करें इसके कैरेक्टराइजेशन की, तो विनीत कुमार ने बहुत ही अच्छा रोल निभाया और उनकी एक्टिंग बिल्कुल नेचुरल लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे, बहुत ही अच्छे एक्टर भी है वो। तो फिर आहाना कुमरा और सुचित्रा पिल्लई, इन दोनों ने भी बहुत ही अच्छा रोल निभाया, और आहाना कुमरा को तो आप लोग बहुत ही मेन रोल में देखेंगे, आपको उनको समझने के लिए थोड़ा ऑल ओवर इस वेब सीरीज को आप लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड अगर देख लिया तो आखिरी 4 एपिसोड तक आप लोग रुकेंगे नहीं। और क्योंकि ये वेब सीरीज सिर्फ 4 एपिसोड्स की है, 4 एपिसोड्स की, 4 एपिसोड्स की, तो ना तो ज्यादा बड़ी और ना ही छोटी है, तो ना तो आप ज्यादा बोर होंगे और ना ही ज्यादा किच-किच करेंगे। ये वेब सीरीज आपको एक ही जगह पर बांधे रखेगी, इसमें इतना सस्पेंस भरा हुआ है कि आप लोग जानना चाहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो ये तो बात हो गई प्लस पॉइंट्स के इसके, लेकिन अगर माइनस पॉइंट्स की बात करें, और अब अगर मुझे इसे पर्सनल रेटिंग देनी हो, मेरी खुद की रेटिंग देनी हो, तो मैं इसको दूंगा 5 में से 4 स्टार, सिर्फ इसकी हॉरर की वजह से, क्योंकि इसमें पहली मुझे ये इंडियन वेब सीरीज लगी जो कि इतनी हॉरिफाइड हो सकती है, और क्योंकि इसमें एक अलग ही कॉन्सेप्ट यानी कि ज़ॉम्बीज का कॉन्सेप्ट यूज किया गया, इसके लिए भी मैंने इसको 4 स्टार्स दिए 5 में से। तो यही था पूरा रिव्यू इस वेब सीरीज के बारे में, और अगर रिकमेंडेशन की बात करें तो बहुत ही अच्छी वेब सीरीज आपको देखनी चाहिए एक बार, तो कभी नहीं भूलोगे। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमें इंस्टाग्राम ट्विटर और टिकटॉक पर फॉलो करना मत भूलना। और तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।